भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सामने आई बहुत बड़ी खबर, मचा बवाल। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में रविवार को राहुल के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी मौजूद थे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा, ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं प्रेम चाहते हैं। वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना, अपने परिवार और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत की राजनीति के लिए इन्हें बेरोजगार देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने जेल में यातना से भरी दोहरी उम्र कैद काटी, जबकि कांग्रेस के नेता कैद के दौरान आराम से समय बिताते थे। इंद्रेश ने राहुल गांधी के सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलने की बात का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब और मंदिरों को नहीं तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अमानवीय, असंवैधानिक और ईश्वर विरोधी है। बता दें कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। कांग्रेस के कई नेता इस यात्रा के दौरान 3,570 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुर जिले के पोचकट्टे से आज की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।